गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम ऐसी जगह पे पौधा अनलोड करने आए हैं जहाँ पे इंडिया का पहला ऑटोमाइजेशन यूनिट लगा है जो कि इसराइल बेस है। तो यहाँ पे अभी हमारे 2000 मौसमी के पेड़ और 3500 अमरूद के पेड़ अभी अनलोडिंग हो रहे हैं, आप देख सकते हो। और ये रहा यहाँ का ऑटोमाइजेशन सिस्टम जो कि पूरा स्क्रीन टच है आपके मोबाइल की तरह। यहाँ से पूरा 600 एकड़ में पानी दिया जाता है, खाद दिया जाता है। और यहाँ का जो मैनेजमेंट होता है ये सारा इंटरनेट के थ्रू आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी इसमें फर्टिगेशन वगैरह कर सकते हो। ये इंडिया का पहला सिस्टम है दोस्तों जो यहाँ पे लगा है। अभी आप पूरे सेंसर देख सकते हो, इसमें पूरे सेंसर लगे हैं, ये सारे सेंसर हैं। और ये हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर लग गया है, इसमें प्यूरिफिकेशन का पानी आता है, आरओ का पानी जिसमें कहा जाता है। ये टंकी है पूरा कंप्लीट। और देखिए इसमें ये फर्स्ट वाला टंकी है, सॉरी ये लास्ट वाला टंकी है, इसमें मैग्नीशियम, इसमें वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर दिया जाता है 13013 2020 0050 0524 12100। ये माइक्रोन्यूट्रन का एक प्रकार है, बोरॉन, फेरस, कॉपर, कैल्शियम, सल्फर, जिंक, पीजीआर का फुल फॉर्म होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, पोटाश, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन। तो दोस्तों इसमें ये जो ग्रेड आप देख रहे हो, जैसे कुछ किसान भाइयों को अंडरस्टैंडिंग होना हो, अभी ये 12160 इसका मतलब 12% नाइट्रोजन, 61% फॉस्फोरस, 0% पोटैश। और इसी में 0050 नाइट्रोजन न्यूट्रल, फॉस्फोरस न्यूट्रल, और इसमें ओनली पोटैश सिंगल कंटेंट आएगा 50। तो इसमें भी सेम वही है, एनपीके का रेशियो होता है ये। और आप देख सकते हो यहाँ पे सारा ऑटोमेटिक सिस्टम लगा है। और ये खुशी की बात यह है कि इंडिया में फर्स्ट प्रोजेक्ट लगा है, ये देख सकते हो आप। जैसे आपके फोर व्हील के इंजन में सेंसर लगे होते हैं, ऐसे सेंसर यहाँ पे लगे हैं। इसका भी और मैं वीडियो आपको लेके आऊँगा। अभी टेम्प्ररी में जस्ट यहाँ पे हम पौधा अनलोडिंग करने आए थे, तो मैं आपको बता रहा हूँ आज है 24 दिसंबर 2019। यहाँ पे आप देख सकते हो इसके थ्रू पूरा प्रेशर बनता है और ये सारे सेंसर हैं। और इन टंकियों से पूरे सारे सिंगल न्यूट्रिशन दिए जाते हैं। अभी आपको सिंगल न्यूट्रन अगर देना है तो आप सिंगल न्यूट्रन इसके थ्रू दे सकते हो, और आप इसको दुनिया के किसी भी कोने से ऑनलाइन हैंडल कर सकते हो। दोस्तों अभी सारा पेड़ हाई डेंसिटी पे प्लांटेशन होगा, और आप देख सकते हो यहाँ पे लगभग 600 बीघा के समथिंग खेती है इन किसान के पास। तो यहाँ पे ये रहा यूनिट जो मैंने आपको ऑटोमाइजेशन बताया, ये बाहरी उसका हिस्सा है, ये ऐसा बिल्डिंग स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसके अंदर उस यूनिट को सेट किया गया है और उसी के थ्रू यहाँ पे पूरा मैनेजमेंट चलता है। और आने वाले दिन में मैं आपके लिए यहाँ की और बहुत सारी जानकारी लेके आपके सामने आऊँगा। और यहाँ पे ऑलरेडी प्लांट्स हमने पहले दे के रखे हैं, और उनकी भी कुछ वीडियोस मैं आपके सामने ले आऊँगा। और दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज खेती से जुड़ी हुई जानकारी, आपको सटीक जानकारी और जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए ये आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।